नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डेटाबेस से रिलेटेड है। उन्होंने क्या बोला है कि क्रिएट अ सिंपल वेब पेज कंटेनिंग अ स्टूडेंट डिटेल। क्या क्या है उसके अंदर, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, फ़ोन नंबर है एंड ईमेल है। ओके सो यहाँ पे वैलिडेशन वैलिडेशन कुछ ज़्यादा नहीं करना है अपने को, सिर्फ डेटा इंसर्ट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ डेटा इन अ डेटा बेस एंड रिट्राइव इट यूजिंग अ डेटा रीडर। अभी ये डेटा रीडर बोल दिया तो समझ जाने का, कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर है। कौन सा? कनेक्टेड डेटा आर्किटेक्चर। सो डिफिकल्ट नहीं है यार, सब सिंपल ही होता है। आप लोग ही उसको सोचते हो कि डिफिकल्ट होगा। ओके सो लेट्स सी। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज। यहाँ पे वेब फॉर्म भी है, कर सकते हो। ओके बट ये वेब फॉर्म, ओके इसको बोलता हूँ कि P4 क्या, P5 वॉट एवर इट में भी, चल P3 दे दिया, रहेगा तो रहेगा। ठीक है सो यहाँ पे ये काम हो गया। अभी मेरे को डेटा इंसर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें मांगता है। सो मेरे को क्या क्या चाहिए, लेट्स सी। रोल नंबर, नेम, क्लास, फ़ोन नंबर, ईमेल। 1 2 3 4 5, फाइव फील्ड्स नीडेड। सो लेट्स यूज़ अ टेक्स्ट बॉक्स, बेटर है। मैं एक टेबल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके सी, थोड़ा सा मज़ेदार काम करना है यहाँ पे, HTML भी लिखना पड़ता है। सॉरी, एक टेबल टैग ले लेते हैं और टेबल टैग के अंदर हम लोग TR ले लेते हैं, देन TD। लेट्स क्लोज द TD। दिस इज़ फॉर द लेबल्स और आई कैन से रोल नंबर, ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए है। सो फाइव फील्ड्स आर नीडेड, कॉपी इट, 4 एंड 5 एंड 6 इज़ फॉर सबमिट बटन, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं लिखेगा कुछ तो, बोलेगा रोल नंबर। सो यू कैन गो एंड राइट इट इन डिज़ाइन ऑल्सो, रोल नंबर, देन क्या बोला था उसने, रोल नंबर, नेम, क्लास। नेम, क्लास, ओके देन इट्स नीड्स फोन एंड ईमेल। सो लेट्स हैव अ टेक्स्ट बॉक्स, लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर, अनदर ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर, 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 रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद में एक बटन लेते हैं। ओके नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोड इज नीडेड। सो यहाँ पे बोल दिया एड डेटा, डाटा, वॉट एवर इट मे बी। ओके सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, वॉट शुड हैपन, द रोल नंबर, नेम, क्लास एंड फोन नंबर एंड ईमेल शुड बी गॉन इन टू योर डेटा बेस। सो फर्स्ट आई नीड अ डेटा बेस, सो लेट्स यूज एन SQL सर्वर मैनेजमेंट एक्सप्रेस। सो आई लाइक टू शो यू, कनेक्ट टू योर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर इज आस्किंग मी फॉर द सर्वर नेम एंड दिस इज नथिंग बट माई कंप्यूटर नेम। सो इफ यू क्लिक डॉट, इट्स नॉट एन प्रॉब्लम, दैट्स वन एंड द सेम। ओके सो लेट्स डिलीट इट, और आई कैन से स्टॉप इट, रिमूव इट, वॉट एवर इट मे बी। ओके सो देखो, इसको स्टॉप किया, ये भी स्टॉप हो गया ना, समझ गए, इसका मतलब दोनों एक ही है। डॉट दे दो या फिर आपका पूरा कंप्यूटर का नाम लिखना, वन एंड द सेम। सो इट इज़ कनेक्टिंग, जस्ट वेट फॉर मिनट, एंड इट इज़ यूजिंग एन ऑथेंटिकेशन कॉल्ड एज विंडोज ऑथेंटिकेशन। इट इज़ गोइंग टू यूज, मेरे को इसका यूज़ रहेगा। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद इट। ओके नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, हाँ अपन ने स्टॉप किया था तो स्टार्ट पहला करना पड़ेगा, तो 2014 यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके सो नाउ लेट्स कनेक्ट इट, सो इट इज़ डॉट, वन एंड द सेम। विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज़ कर देना, अगर आपने SQL ऑथेंटिकेशन यूज़ किया रहेगा तो उससे यूज़ कर देना, कोई इशू नहीं है। छोटे पैरामीटर में उधर उधर हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील।
So in database I'll create a database called as ASP. Okay, in this ASP I'm going to create a table called as new table called a student. So it is having a roll number. Okay, it's numeric, it's having a name, it's numeric. So then I'm going to have a class, sorry, it's a varchar. Then I'm going to have a phone number that can be varchar, and then I'm going to have email address that is a varchar again. Let's make this roll number as an primary key. Let's save this table as TBL. It's ये आपके ऊपर है कि आप कैसा conventions देना चाहते हो इसको. TBL underscore student. That's it. So work is done. So let's try to write the core for it. Now the thing is that इसके क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे कुछ काम करना है. तो सबसे पहला चीज़ मुझे SQL के साथ काम करना है, तो याद रखना है यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट. सो दैट्स इट. ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आई शुड डू समथिंग. आई नीड अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, SQL कनेक्शन लगेगा, उसको मैं बोलता हूँ कौन. देन कौन को इनिशियलाइज करना है तो हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर न्यू कनेक्शन एंड इट आस्क फॉर द कनेक्शन स्ट्रिंग. अभी इसको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना और ध्यान रखना. पहला आता है डेटा सोर्स, किससे कनेक्ट करना है. डॉट डॉट मतलब करंट सिस्टम. ओके, आपके पास यूजुअली ऐसा भी होगा डॉट स्लैश SQL एक्सप्रेस. तो SQL Express is an instance name. It's not compulsory. Everyone will be having the same instance name. Okay? So मेरे यहाँ पे तो डॉट है, आपने देख लिया, तो वहाँ पे मैं डॉट ही लिखूँ. आपके यहाँ पे जो कनेक्शन करते हो, जो चीज़ यूज़ होता है वही आपको यूज़ करना है. डॉट स्लैश वॉट एवर इट मे बी. ओके, देन इट्स कम फॉर नेक्स्ट. इट इज़ कॉल्ड एज इनिशियल कैटलॉग. कैटलॉग okay, initial catalog is a database name. What is the database name? It's called as ASP. ASP, and then comes your security. Integrated security is equals to true. Means Windows authentication true hai. That's it. Aur kuch nahi hai. Okay, to ye ho gaya. Ab kya karna hai? Abhi data insert karne ke liye lagta hai command. SQL command. Command, okay, cmd is equal to new SQL command and it asks for some values. Is asking for connection command कौन सा run करने का है और किस connection में करने का है. तो अभी अपना तो insert का query है ना, तो इतना क्या tension लेना है अपने को. Okay, so मेरा काम तो यहाँ पे हो सकता है. मैंने query यहाँ पे दे दी और उसके बाद में connection कौन है, कौन ये बता दिया, तो मेरा काम तो हो ही गया समझो. Okay. सो यार ये सब कुछ करते वक्त है ना, ट्राई कैच को भूलना मत, क्योंकि यार पंगा तो आएगा कोड करने वाले हो. कैच एक्सेप्शन. ओके, देन रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर आप लोग लिखोगे एक्स डॉट टू स्ट्रिंग. दैट्स इट. अपने को क्या करना है, सिर्फ प्रिंट ही तो करना है. अगर एक्सेप्शन आया तो ठीक है. एंड आल्सो आई आल्सो वांट फाइनली, आई वांट फाइनली दिस रीजन बिहाइंड इट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल आफ्टरवर्ड्स. सो दैट इज SQL कमांड्स. कनेक्शन इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम. व्हाट विल बी द इंसर्ट क्वेरी, व्हाट डू यू थिंक? सो व्हाट विल बी द इंसर्ट क्वेरी? सो इंसर्ट क्वेरी हम लोग लिखते हैं एक स्ट्रिंग में INS क्वेरी. इंसर्ट इन टू टेबल, अरे क्या लिख, अरे किधर गया, किधर गया.
इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल कौन है रे, tbl_, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, tbl_ स्टूडेंट, ओके, वैल्यूज, वैल्यूज विल बी द रोल नंबर इज इंटीजर सो इट इज 1, देन द नेम इज वारकार, समथिंग शुड बी गिवन इन सिंगल कोट्स, then the class again should be given in single quotes, and then the phone number again should be given in single quotes, and the next thing is email address, again something is going to be single quotes. So this is the query which has to be executed. So one is the number which is going to be ये number मैं लेगा text box 1 से, तो यार select कर देना इसको, देखो सही सही से देखो आराम से, वीडियो को पॉज करना जितनी बार जो कुछ भी देखने का देख सकते हो, ख़त्म, select करके double quotes डाल देना, कॉन्केट करना टेक्स्ट बॉक्स 1.txt, देन यहाँ पे सिंगल कोट के बीच में आना, डबल कोट्स दो बार डाल देना, इनके बीच में आ जाना, यहाँ पे लिख देना टेक्स्ट बॉक्स 2.txt, यहाँ पे आना बीच में डबल कोट्स डाल देना, उसके बीच में आ जाना टेक्स्ट बॉक्स 3.txt, देन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4.txt, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 5.txt. परफेक्ट, ये क्वेरी तो बन गई. अब एसक्यूएल कमांड को मैं बोलता हूँ कि भाई इस क्वेरी को तुझे रन करना है, तो ले INS क्वेरी दे दी तुझको, देन CMD को बोल दिया कि भाई तेरे को इंसर्ट करना है. जब इंसर्ट अपडेट डिलीट का टाइम आता है ना, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी. एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी सिर्फ IUD के लिए यूज़ होता है. IUD का मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट. ओके, तो बटन क्लिक के ऊपर अभी मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए. यार कितना ख्वाहिश लेकर हम लोग अभी इसको रन करेगा, और रन करने के बाद एरर को देखेगा. 1 बाद में लिखता हूँ मैड, बाद में यहाँ पे लिखता हूँ TYIT, देन TYIT, देन फ़ोन नंबर, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, एल ठीक है. इफ आई क्लिक ऑन दिस आई एम एबल टू सी सम एरर विच इज़ एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी रिक्वायर्स एन ओपन एंड अवेलेबल कनेक्शन. बोलते हैं यार क्या लिखा है इसने. बोलते यार सुनना, देख पहला चीज़ तो तुझे कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक डेटाबेस के साथ तू कनेक्शन बनाएगा नहीं, डेटा इंसर्ट होगा नहीं. तो पहला क्वेश्चन है ये कि तुझे इसे रन करने से पहले कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कौन को करता हूँ ओपन, हो गया काम तमाम, और बाद में यहाँ पे लिखता हूँ कौन डॉट क्लोज. मतलब एग्जीक्यूट क्वेरी कर देने के बाद तुम लोग ये अपना काम कर सकते हो. मतलब एक बार इंसर्ट हो गया, बाद में कनेक्शन क्लोज. ले वापस लिखते अपन 1, देन समथिंग, देन समथिंग 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 एट द रेट समथिंग डॉट कॉम, ठीक है. सो लेट्स गो टू द डेटाबेस एंड लेट्स सी. I am unable to see the tables. Let's select it. Yeah man, the data is there. लेकिन कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाता है मालूम, कि एग्जीक्यूट करते हुए प्रॉब्लम आ जाता है, तो यहाँ पे एरर आ गया, तो एरर आ जाने के बाद ये डायरेक्टली कैच के पास जाता है, तो कनेक्शन ओपन का ओपन ही रह जाता है. सो कभी भी मेरा एक सलाह याद रखना है, सब लोग को पता है कि ये सलाह नहीं है, कि ये तो स्टैंडर्ड है, कि कनेक्शन बनाने का है, क्वेरी वेरी लिखने का है, तो ये सारा फालतू काम है ना तुम लोग, कनेक्शन विनेक्शन बनाने का. ओके, ये सारा क्लास वेरिएबल में कर देने का, क्योंकि हर वक्त लगने वाला है. ओके, देन तुम लोग कनेक्शन क्लोज करने का, ओपन करने का, किधर से भी कर, मेरे को फ़र्क गिरता नहीं है. लेकिन फाइनली में कभी भी कनेक्शन को क्लोज करना, क्योंकि एरर आए या ना आए, फाइनली के अंदर कनेक्शन क्लोज होगा ही होगा. अभी तुम लोग बोलोगे अगर सर कनेक्शन क्लोज रहेगा तो क्लोज, अगर कनेक्शन क्लोज ही रहेगा तो वापस क्लोज कर सकते हैं क्या. ओके, तो उसको स्टेट चेक करना पड़ता है. कौन मतलब इफ कनेक्शन, इफ कंडीशन लिख देने का, कौन को बोलने का भाई तेरा करंट स्टेट क्या है,
ओके, तो तेरा स्टेट क्या है? अगर तेरा स्टेट है क्लोज्ड, स्टेट कनेक्शन के स्टेट कैसा देखते हैं? स्टेट डॉट स्टेट इज इक्वल्स टू, हाँ, डेटा कनेक्शन स्टेट डॉट, अगर तेरा क्लोज्ड रहेगा ओके, तो तू क्लोज मत कर, अगर क्लोज नहीं रहेगा तो तू उसको क्लोज कर। ओके, सो लेट्स डू इट। ऐसा करके आप इसको सही से कर सकते हो। अगर कनेक्शन क्लोज रहेगा तो यार वापस कैसे क्लोज करेंगे? ठीक है, सो अगर क्लोज रहेगा तो मत कुछ कर, और अगर क्लोज नहीं रहेगा तो क्लोज कर, खत्म। श्योर? सो यार ये तो अपना टाइम पास काम हो गया। ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, लेट्स ऐड वन मोर एंट्री। ओके, आपल्याला काय करायचंय? ले लेट्स हैव अ डेटा, वी हैव टू एंट्रीज नाउ, सो द वर्क इज डन। नाह, स्टिल द वर्क इज इनकम्प्लीट, बिकॉज द थिंग इज नाउ आई हैव टू रिट्राइव द डेटा ऑल्सो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन को जरा से वापस देखते हैं, उसने बोला है राइट द प्रोग्राम जिसके अंदर से डेटा इंसर्ट होएगा। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर द डेटा इन टू डेटा बेस, इंसर्ट हो गया, दैट्स इट। ओके, एंड रिट्राइव इट यूजिंग अ डेटा रीडर इन अ टेबुलर फॉर्मेट, अभी डेटा रीडर का बात आएगा। सो लेट्स गो टू टूल बार, इट्स हैव अ बटन। ओके, सो वी हैव अ बटन नाउ। ओके, सो नाउ द थिंग इज वी हैव अवर कनेक्शन, आई नीड अ कमांड, सो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन एज इट इज़। तो वापस लिखने में क्या हर्ज है? ठीक है, चलो ट्राई कैच एक्सेप्शन एक्स, देन जो कुछ भी एक्सेप्शन आएगा रिस्पॉन्स डॉट राइट में लिख। एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए चल जाएगा, क्योंकि सब यूज़र वीज़र को, मतलब क्लाइंट को भी दिख जाएगा ना तुम्हारा एरर क्या है। तो बेटर क्या है, लॉग बिग में प्रिंट करना होता है। तो फाइनली तो पहला ही मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। क्लोज करना ज़रूरी है यार, नहीं तो कनेक्शन जितने ओपन करोगे ना वो ओपन होते जाएंगे और बाद में तुम्हारा पूल भर जाएगा। इट इज़ सिंपल कि आपके पास एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर सब लोग उड़ी मार रहे उड़ी मार रहे उड़ी मार रहे, लेकिन बाहर कोई निकल नहीं रहा है। तो फुल पूल इज़ फुल, अभी कोई उड़ी मारेगा तो उसको जगह नहीं मिलेगा। ओके, फालतू एग्जाम्पल था, ध्यान मत देना उसके ऊपर। सो अभी क्या करना है, एक क्वेरी लिखना है, तो वो इंसर्ट क्वेरी था, यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी है, उसको हम लोग बोलेंगे कैसा सेलेक्ट क्वेरी रहता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएलए अंडरस्कोर स्टूडेंट, दैट्स इट। तो यार सेलेक्ट क्वेरी ये पाइथन थोड़ी है, ये है डॉट नेट। सो अभी अपने पास स्ट्रिंग क्वेरी रेडी है, अभी मेरे को कमांड मांगता है, तो एसक्यूएल कमांड सीएमडी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, देन द सेम थिंग विच यू आर गोइंग टू डू, सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट क्वेरी एंड देन कनेक्शन पास कर दिया। नाउ सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट क्या लिखा था, नॉन क्वेरी, अभी रीडर आएगा, और रीडर रिटर्न क्या करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर, क्या रिटर्न करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर। एग्जीक्यूट रीडर नाम का मेथड क्या रिटर्न करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर। क्या लिखा है यहाँ पे, रिट्राइव इट यूजिंग डेटा रीडर। चल एग्जीक्यूट रीडर ले ले, और जो कुछ भी डेटा रहेगा एसक्यूएल डेटा रीडर में डाल दे, इसको बोलते हैं डीआर। अभी यहाँ पे वाइल लूप लिख दे, इसके अंदर लिख दे डीआर डॉट रीड। अभी डीआर डॉट हैज रोज नाम का भी चीज़ रहता है भाई, हैज रोज चेक करता है कि इसके अंदर रोज है या नहीं, मैं आगे जाऊँ या नहीं। अगर हैज रोज मिला तो अंदर आ जा, तो यहाँ पे वाइल के जगह पे इफ लिख दे, बेटर रहेगा। तो इफ
डेटा है, अंदर जाऊंगा। अभी अंदर जाने के बाद एक एक रो रीड करने का है, तो मैं वाइल लूप ले लिया, उसको बोल दिया डी आर डॉट नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट है या रीड है? हाँ रीड है। यहाँ पे क्या आता है? रीड। रीड नाम का मेथड क्या करता है? एक एक रो रीड करता है, एक एक रो रीड करता है, ये इटरेटर की तरह है। ओके अभी पाइथन में देखेंगे तो यील्ड नाम का चीज़ है। तो लिव इट, पाइथन अलग जगह पे है, अपना डॉट नेट अलग जगह पे है, जावा अलग है, पीएचपी अलग है, क्या फ़र्क करता है? ओके एक लैंग्वेज का पूरा लॉजिक समझ लो, लॉजिक तो लॉजिक होता है, बाकी सिंटैक्स इज नथिंग। सो अभी ये तो हो गया। अभी डी आर का जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, डी आर इज़ वर्किंग एज एन एरे। ओके तो मेरे पास कितना रोज़ है? दो रोज़ है। तो पहली बार डी आर डॉट रीड करके मैं इस रो को रीड कर लिया, ठीक है। अभी प्रिंट करते हैं तो टैबुलर वे बोला है, अभी टैबुलर वे बोल दिया तो समझ जानेगा कि टेबल करना है प्रिंट। तो हम लोग एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट। अरे यार ये लिखने में मेरे को बहुत कंटाल आता है। ओके लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। मैं एक्चुअली ऐसा नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ओके ओपी टू प्रिंट इज इक्वल्स टू वॉट एवर इट मे बी। ओके सो अभी मैं बोलता हूँ कि पहला भाई टेबल टैग बना, ओके बॉर्डर दे, खत्म, श्योर। अभी वाइल के अंदर तेरे को क्या करने का है? तेरे को ओपी डेटा के अंदर प्रीवियस वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू डालनी है, मतलब टेबल का डेटा प्रिंट करना है। ओके सो अब मैं क्या करता है तुम्हारे लिए, यहाँ पे एक टी डी बनाता है, सॉरी टी आर बनाता है, टी आर क्लोज। बाद में इसके अंदर टी डी आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए? कि पांच कॉलम्स है तो पांच कॉलम्स के हिसाब से 1 2 3 4 5। यहाँ पे डेटा आना चाहिए कौन सा? तो आना चाहिए डी आर का जीरोथ इंडेक्स। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, एकदम आराम से कॉपी कर लेते हैं इसको, देन यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दो, इसके बीच में इसको वन कर दो, यहाँ पे इसके अंदर जाकर इसे पेस्ट कर दो, यहाँ पे टू कर दो, यहाँ पे इसके बीच में जाकर पेस्ट कर दो, यहाँ पे इसको थ्री कर दो। आराम से देखना, घाई नहीं है, तुम लोग पॉज कर सकता है, समझा ना? सब एक एक चीज़ वो क्या करेगा, अपना इसके अंदर डालते जाएगा, एंड दैट्स द थिंग्स विल बी कंप्लीटेड। ऐसा मैं दो रोज़ बनाएगा, फाइनली जब मेरा वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, इफ़ कंडीशन भी ख़त्म हो जाएगा, सो मैं ओ पी टी आर के अंदर फाइनली प्रीवियस वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू के अंदर टेबल टैग को ख़त्म करेगा। दैट्स इट। एंड देन मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट के थ्रू मैं ओ पी टेबल को प्रिंट करेगा। हैप्पी सब, ऐसा भी चलता है। ओके लेकिन ये टेबल है ना बहुत ऊपर दिखाई देगा, आई गिव यू एन आइडिया हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन, सी आई एम गोइंग टू गेट सम एरर्स, बोलता है कि रिक्वेस्ट एन ओपन कनेक्शन, गलत कुछ तो गड़बड़ कर दिया यार। यहाँ पे मैंने बोल दिया एग्जीक्यूट रीडर बराबर, लेकिन एग्जीक्यूट रीडर करने के लिए कनेक्शन ओपन करना ज़रूरी है, तो कॉन डॉट ओपन, यार ये मैं भूल जाता हूँ हर वक्त, इसके लिए मैं मॉड्यूल्स बना के रख देता हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई इट वंस अगेन, आई क्लिक ऑन द बटन एंड दिस इज़ द डेटा, बट इट इज़ ऐसा नहीं है यार, एक अलग जगह पे डेटा दिखना चाहिए था, तूने किधर भी डेटा दिखा दिया। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट का काम ही यही है कि पहला वो चलता है और बाद में आगे का काम चलता है। सो हाउ वी कैन डिस्प्ले इट इन सम अदर थिंग्स, तो अभी यहाँ पे इसके नीचे मैं एक लेबल ले लेता है। अभी तुम लोग बोलोगे सर क्या कर रहे हो, लेबल क्यों ले रहे हो, लेबल का क्या मतलब है? चलो यार यहाँ पे लेबल किधर है, ये ले, ठीक है, मज़ा आना। यार किधर गया? और रिस्पॉन्स डॉट राइट में तू ये जो कुछ भी लिख रहा है वो मैं लेबल के अंदर डाल देता है। ओके
लेबल के अंदर तुम लोग जो कुछ भी लिखोगे, अरे क्या हो गया उसको, बोलते लेबल वन डज नॉट एग्जिस्ट करंट कंटेंट। क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्या स्टोर नहीं हुआ क्या? हाँ सेव नहीं किया था, ये सेव करना ज़रूरी था। ओके लेट्स क्लिक ऑन द बटन, लेबल के अंदर डेटा दिख गया। ओके तो लेबल के अंदर आप HTML डालोगे तो वो दिख जाएगा, और आपको ये जो आउटपुट है वो टेबल टैग में बना है, अगर आपको ये भी देखना है तो ये भी दिखा रहता हूँ। ओके एक और लेबल ले लेते हैं, लेबल लेबल लेबल। ओके 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 ASP.NET में प्रोजेक्ट बनाना बहुत मस्त काम है, मज़ा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम दिमाग लड़ाने में चलता है। ओके बाकी काम तो इंसर्ट अपडेट डिलीट का मज़ा आ जाता है। ठीक है सो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है ना वो OP टॉप है ना, इसको मैं लेवल 2 में डालेगा, लेकिन इसको है ना HTML एनकोड करेगा, server.html एनकोड। और HTML एनकोड करने के बाद ये डेटा मैं तुम लोग को दूसरे लेवल में दिखाएगा। सो चेक करो ये चीज़ एक्चुअल में ये है जो आपने बनाया। ओके और ये अभी आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये लेस देन है ना, ये लेस देन और कुछ नहीं है, एम्पर्स एंड किधर गया, एम्पर्स एंड LT है। अभी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना ये एम्पर्स एंड LT है। ओके इसके लिए वो चीज़ दिख रहा है, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता टैग है तो। ओके दैट्स द रीज़न कि ये सारा चीज़ें ऐसा चलेगा, समझा? सो सिंपल है, योर दिस थिंग इज़ कंप्लीट।